तो दोस्तों हमने अब घिया ले लिया है। घिया के हलवे के लिए हम एक घिये को पूरा कद्दूकस कर लेंगे। तो दोस्तों अब मैंने इसमें देसी घी ले लिया है, 2 चमचे के करीब मैंने देसी घी लिया है, आधा कटोरी। तो दोस्तों ये घी मेरा पूरा गर्म हो चुका है और अब इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने डाला है बादाम और काजू। और अब इसको हम फ्राई कर लेंगे और अच्छे से इसको भूनने के बाद जब ये करारे से पन पे थोड़ा हो जाए तो इसमें अब हम घिया डालेंगे। घी हम सारा दोस्तों इसमें डाल देंगे और फिर घी को भी इन सब के साथ भूनेंगे अच्छे तरीके से। अब अच्छे से घी भी भून लेंगे दोस्तों और भूनने के बाद इसमें हम कोकोनट भी डालेंगे दोस्तों भूनने के बाद इसको। तो ये भून गया और ये जो कोकोनट है वो मैंने आधे से थोड़ा सा कम घी से लिया था, कद्दूकस कर लिया था दोस्तों, और उसको भी अब इसके साथ ही भून लेंगे ताकि कोकोनट भी अच्छे से भून जाए और उसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और दोस्तों इसमें हम किशमिश डाल देंगे साथ में, तो ये किशमिश भी अच्छे से इसी में फ्राई हो जाएगी। कोकोनट का जो अपना ऑयल होता है वो भी इस टाइम छोड़ने लगा है वो कोकोनट, तो उसके साथ ही ये फ्राई हो जाएगी अच्छे तरीके से। अब उसको दानादार बनाने के लिए दोस्तों इसके अंदर डालना होगा दूध, तो इसमें मैं दूध डाल रही हूँ। और दूध डाल के दोस्तों इसको पकने देंगे अच्छे से, तो बिना खोए के भी खोए वाला टेस्ट इसमें आ जाएगा दूध डालने की वजह से। दूध जो है पकते पकते अपने आप दानेदार हो जाएगा। अब इसको अच्छे से चला लेंगे दोस्तों और चलाने के बाद इसको अच्छे से ढक देंगे, कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये दूध जो है थोड़ा खोए जैसा टेक्सचर ले ले। तो ढक देते हैं दोस्तों इसको। तो दोस्तों आप चेक करते हैं इसको कि कैसा बना है अभी ये, तो अच्छे से इसका दूध थोड़ा रिड्यूस हो गया है दोस्तों। तो अब इसको अच्छे से चला लेंगे हम, और इस स्टेज पे दोस्तों अब हम इसमें शुगर चीनी गिरेंगे। चीनी दोस्तों मैंने इसमें, एक घिया था मेरा आधा किलो के करीब, तो मैंने 2 कटोरी के करीब इसमें चीनी गिरी है। तो दोस्तों 2 कटोरी मैं इसमें चीनी गिर रही हूँ और उसके बाद फिर चीनी मेल्ट होने तक इसको तेज आंच पर पकाएंगे। तकरीबन 5-7 मिनट लग गए थे दोस्तों इसको अच्छे से रिड्यूस होने में चीनी, तो इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से। और फिर लास्ट में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डलेगा जो लास्ट में मैं आपको बताती हूँ। पहले इसको अच्छे से पूरा रिड्यूस होने दीजिए, चीनी भी इसमें अच्छे तरीके से घुल जाएगी। तो 5 मिनट के बाद देखते हैं दोस्तों इसका क्या हाल होता है। और ये मैं दोस्तों डाल रही हूँ, एक इलायची डाली है मैंने खुशबू के लिए, आप चाहे तो केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं पर इलायची ज़्यादा टेस्टी लगती है तो इलायची ही डाली है मैंने कूट के। इसमें आप इलायची पाउडर या पूरी एक इलायची डाल दें और अब इसको रिड्यूस होने दें। दोस्तों पानी सूख चुका है अच्छे से इसका, तो अब ये लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारा मलाई, तो इसमें मैं डालूंगी मलाई। दोस्तों 2 चम्मच इसमें मैंने मलाई गिरी है और अब इसको अच्छे से भूनेंगे मलाई का घी ऊपर आने तक। अच्छे तरीके से इसको भून लें और 2 मिनट के करीब अभी इसको तेज आंच पे पकने देंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए घी इसका बिल्कुल अलग हो गया है और ऊपर आ गया है, तो ये पूरा रेडी हो चुका है और बिल्कुल दानेदार बिना खोए का हलवा बना है, खोए जैसे टेस्ट वाला। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए बिल्कुल घी दिख रहा है आपको, बिल्कुल घी इसमें से बाहर आ चुका है दोस्तों। तो ये रेडी है अब सर्व करने के लिए, तो आप दोस्तों ज़रूर खाएँ और खिलाएँ सबको। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।
Give you my heart.